तो ऑल गाइस ऑल भाई लोग, अभी अभी पोको ने लॉन्च कर दिया है पोको M2 Pro। तो गाइस पोको का ये सेकंड जनरेशन बोल सकते हैं आप लोग, जो रेडमी की तरफ से आता है। तो गाइस रेडमी पोको सेमी कंपनी का, लेकिन गाइस यहां पे आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, रेडमी नोट 9 प्रो को टक्कर देता है गाइस, सिमिलर ही प्रोडक्ट है गाइस सिंपली। तो गाइस जो परफॉर्मेंस है सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है। आप लोगों को पोको M2 Pro जो गाइस बिल्कुल सिमिलर दिखता है, लेकिन गाइस फीचर भी सिमिलर है, लेकिन गाइस आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा गाइस, जो प्राइस पॉइंट गाइस आप लोगों को सरप्राइज देगा गाइस, ये प्राइस पॉइंट गाइस 15000 के नीचे 14999 गाइस आप लोगों को 4GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, और गाइस 6GB वाला 16000 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अभी अभी लॉन्च किया है, तो गाइस कमाल के प्राइस पॉइंट में गाइस सीधा ही टक्कर देता है रेडमी नोट 9 प्रो। तो गाइस बेसिकली दोनों कंपनी गाइस बहुत से लोग बोलते हैं अलग हो चुके हैं गाइस सिंपली, लेकिन अभी तो बहुत से लोग बोलते हैं अभी भी एक ही है। तो गाइस आप लोगों को बताता हूं ये सब जो भी हो, लेकिन गाइस जो प्राइस पॉइंट के अंदर पोको ने लॉन्च किया है पोको M2 Pro को, गाइस बेसिकली कमाल का धमाल होने वाला है। तो गाइस जिन जिन लोगों को गाइस मोबाइल लेना है अभी, तो गाइस अभी ले सकते हैं, अभी है गाइस सिंपली कंपटीशन का जमाना। तो गाइस प्राइस पॉइंट घटता ही आ रहा है, तो गाइस बता लें अभी भी गाइस प्राइस घट सकता है। तो गाइस आप लोग थोड़ा सा वेट करके रिसर्च करके उसके बाद खरीदिए। तो गाइस बेसिकली अभी कंपटीशन का जमाना है। तो गाइस पोको ने जो लॉन्च किया था उसके बारे में पूरा डिटेल से बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं इंडिया सोलह का चैनल। वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ बकवास कीजिए, आपके अपने चैनल इंडिया सोलह का चैनल को बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो ऑल गाइस ऑल भाई लोग, आपके भाई ने सिंपली सारा डिटेल्स निकाल लिया है। तो गाइस बेसिकली अभी अभी गुरुजी ने गाइस अनबॉक्सिंग भी की है। तो गाइस बहुत सारे लोगों ने रेडमी नोट 9 को गाइस सिंपली सिमिलर ही बोला है रेडमी नोट 9 प्रो को गाइस रेडमी का जो गाइस सिंपली पोको का पोको M2 Pro। तो गाइस सिंपली दोनों सिमिलर ही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो गाइस बेसिकली ये सब जो भी हो, थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बता देता आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा रेडमी फिर से गलती से निकल गया गाइस सिमिलरिटी प्रोडक्ट है। तो गाइस पोको की बात करें तो गाइस पोको M2 Pro में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पोस्टर की बात करें तो गाइस जैसे सिंपली 720G तो गाइस 720p स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाएगा भाई लोग सिंपली। आप लोगों को बताए तो आप लोगों को जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर 16 मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल के साथ आता है। तो गाइस बेसिकली जो डिज़ाइन है वो भी सिमिलर ही है। तो गाइस बेसिकली आप लोगों को बताए तो उससे राइट साइड में फिंगरप्रिंट है जो रेडमी नोट 9 प्रो जैसे दिखता है सिमिलर ही, और गाइस सिर्फ कैमरा का थोड़ा सा डिज़ाइन डिस्टेंस है। तो गाइस बेसिकली ये सब तो बकवास हो गई। तो गाइस आप बोलेंगे इसके अंदर डिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा या फिर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा दोनों के अंदर? तो गाइस बेसिकली आप लोगों को दोनों के अंदर सिंपली डिफरेंस ये देखने को मिलेगा, जो रेडमी नोट 9 प्रो है तो गाइस उसके अंदर आप लोगों को 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलता है 5020 mAh की बैटरी के साथ। और गाइस आपके जो गाइस सिंपली ये जो पोको ने निकाला है M2 Pro उसके अंदर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी मिलती है, सिमिलर ही सिर्फ 20 mAh की डिफरेंस है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं पोको ने निकाला है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। तो गाइस ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ही, तो गाइस ये आप लोग चाहे तो इसे खरीद सकते हैं क्योंकि इसका चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। 33 समझ गए होंगे कितना फास्ट होगा। तो गाइस देखिए सब कुछ सिमिलर ही है। तो गाइस ऑल गाइस ऑल भाई लोग थोड़ा सा और डिटेल से बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्ले की बात करते हैं। रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर जैसा डिस्प्ले था सेम टू सेम इसके अंदर वैसा ही डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस डिस्प्ले की बात करें तो गाइस सिंपली आप लोगों को जो है पहले ही बोला गाइस थोड़ा सिमिलर ही है, सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो गाइस आप बात कर लेते हैं सिंपली आप लोग जो कैमरे की पोजीशन की बात कर रहे थे बहुत से लोग डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, सिमिलर ही डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली ये जो दोनों प्रोडक्ट है गाइस सिंपली रेडमी नोट 9 प्रो और पोको M2 Pro दोनों का जो फ्रंट कैमरा दो गाइस सिमिलर जगह पे है, और गाइस आप लोगों को दोनों के अंदर गाइस 6.67 इंचेस के डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल एचडी ब्लास्ट के साथ। तो गाइस बेसिकली ये भी बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को दोनों के अंदर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चेंजेस आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। तो गाइस आप चाहे तो पोको खरीद सकते हैं बिना गाइस सिंपली आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा सा प्राइस पॉइंट घट गया है। तो गाइस आप लोग बहुत से लोग खरीद देंगे एक्साइटेड होंगे। तो गाइस बहुत से लोग को रेडमी नोट 9 प्रो ही पसंद आएगा। तो गाइस जैसा जिसके मर्जी आप लोग खरीदिए। तो गाइस सिंपली मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो गाइस इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो था गुरुजी ने किया है अभी अभी। तो गाइस बेसिकली सबसे पहले गुरुजी ने किया है। तो गाइस सिंपली टेक्निकल गुरुजी का आप लोग अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। तो गाइस जिसके प्राइस पॉइंट भी गाइस सिंपली जैसा बोला वैसा ही प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगा 14999 रुपये और 16999 रुपये, और गाइस 16999 रुपये, 15999 रुपये, 14999 रुपये। तो गाइस बेसिकली ये कुछ फीचर्स के साथ प्राइस पॉइंट में ये लॉन्च हुआ है। तो गाइस ऑल भाई लोग वीडियो का जो कमेंट होता है
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल गाइस ऑल भाई लोग वीडियो को शेयर के साथ बजाने का मौका दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करता है, लिंक नीचे मिल जाएगा। अच्छा रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।